दोस्तों हमारे शरीर में 70 से 75% तक पानी है, जिससे इसे शरीर के लिए सुपर फूड के रूप में जाना जाता है। लेकिन पानी जितना हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, उतना ही इसके सही तरीके से पीना भी ज़रूरी है। जानकारों का कहना है कि हमें पानी को धीरे धीरे बैठकर पीना चाहिए, इससे हमारे शरीर को फ़ायदा होता है और पानी का पूरा पौष्टिक तत्व शरीर को मिल जाता है। अक्सर ऐसा देखा गया कि लोग पानी को खड़े खड़े ही पीते हैं, जिससे उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पानी शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी और फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन उसे सही से पीने पर इसका पूरा फ़ायदा हमें मिल सकता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि पानी को सही से नहीं पीने पर हमें कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं और इससे शरीर को क्या नुकसान होगा। दोस्तों वैसे तो हमें खड़े होकर पानी पीने की सलाह नहीं दी जा सकती, इससे शरीर का गलत असर पड़ता है। लेकिन फिर भी आप कभी खड़े होकर पानी पीते हैं तो ऐसे में पानी सिप सिप कर पिएं, इससे बहुत हद तक आप नुकसान से बच सकते हैं। और जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं उनके फेफड़ों में पानी पहुँच कर एस्पिरेशन निमोनिया को पैदा करता है। इसके अलावा भी इसके बहुत नुकसान हैं, तो आइए जानते हुए कौन कौन से नुकसान हैं जो हमें झेलने पड़ते हैं जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं। जानकारों का कहना है कि खड़े होकर पानी पीने से आपको किडनी की समस्या हो सकती है। दरअसल जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो वह पानी सीधा पेट में जाता है, जिससे पेट पर प्रेशर बनता है और ये प्रेशर शरीर में मौजूद सभी अशुद्धियों को ब्लैडर में जमा कर देता है, जो बाद में किडनी को दिक्कत पहुंचाती हैं। और यही कारण है कि हमें खड़े होकर पानी पीने की सलाह नहीं दी जाती। ऐसा करने से हमारे शरीर में फेफड़ों का भी असर पड़ता है। जब कभी कोई आदमी खड़े होकर तेज़ी से पानी पीता है तो ऐसे में उसकी शरीर के अंदर मौजूद फूड पाइप और विंड पाइप पर बुरा असर पड़ता है और इससे वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई भी रुक जाती है, इसलिए खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। आपको खड़े होकर पानी पीने से आपका फ्लूइड बैलेंस बिगड़ता है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, ये समस्याएं पैदा होती हैं। इससे आपकी हड्डियों पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए डॉक्टर से कहना है कि जब भी कभी पानी पिएं तो आराम से पिएं, ऐसा करने से आपकी सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। इससे आपकी डाइजेशन की समस्या भी हो सकती है। बताया जाता है कि तेज़ी से खड़े होकर पानी पीने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित होता है, जिससे डाइजेशन वाली समस्या पैदा हो जाती है। इससे आपको तनाव भी हो सकता है और यही कारण है कि इससे दूर रहने की सलाह दी जाती है। और आगे से जब भी पानी पिए तो बैठकर पानी पिए, ना कि खड़े होकर, ताकि आप स्वस्थ रह सकें और लॉन्ग लाइफ, एक हैप्पी लाइफ जी सकें। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबा देना और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर भी दबा देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।